नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसे प्राणायाम की बात करेंगे जिसे करते ही आपकी सालों बंद नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी, आपके नस नाड़ियों में ब्लड का प्रवाह और ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से होने लगेगा, उसमें सालों की चमा गंदगी जो है वो भी बाहर निकल जाएगी। इसके जब ये सब हमारा डिटॉक्स हो जाएगी हमारी बॉडी, तो इससे आपकी आयु भी लंबी होगी, आप दीर्घायु रहेंगे और स्वस्थ और निरोग भी रहेंगे। और आपको वात पित्त कफ जैसे जो त्रिदोष होते हैं आपके शरीर पे, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसका भी बैलेंस बना रहेगा। जब इसका बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, कफ बलगम की समस्या हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, पित्त का जब भारी बढ़ता है हमारे डाइजेशन की समस्या हो जाती है, तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं। तो ये इनका संतुलन बनाने के लिए हमको इस प्राणायाम की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए सांस तो हमारे शरीर, श्वास को लेना और छोड़ना तो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये तो आप सभी जानते हैं। इसके बिना तो जीवन ही संभव है, लेकिन इसको सही तरीके से जो लोग नहीं लेते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें इसको सही तरीके से कैसे लेना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें करना होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट रखती है। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तब भी हमारे शरीर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है तो हमें डर, क्रोध और एसिडिटी की समस्या और पेट की समस्या, ये सारी समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, हम फाइट मोड पे चले जाते हैं। और जब हमारे अंदर चंद्र भेद यानी कि चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है तब हमें आलस, भूख ना लगना, किसी काम में मन ना लगना, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य और चंद्र नाड़ी में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें करना होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हमें सीधे बैठ जाना है, अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने एक हाथ में ज्ञान मुद्रा बनानी है, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बनानी है और इस तरह अपने नॉस्ट्रल में रखना है। पहले हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर भरना है और फिर हमें लेफ्ट से ही बाहर निकालना है, और फिर हमें लेफ्ट से यानी कि 5 बार हमें लेफ्ट से अंदर भरना है और लेफ्ट से ही बाहर निकालना है, फिर हमें राइट से अंदर लेना है और राइट से बाहर निकालना है, 5-5 बार दोनों से करना है। इसको करने के बाद फिर हमें लेफ्ट से सांस को अंदर भरना है, राइट से निकालना है, राइट से भरना है और लेफ्ट से निकालना है। और आप चाहें तो इसमें कुंभक भी लगा सकते हैं, यदि ऐसा करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा फायदा देगा। तो आइए हम देखते हैं इसे करने का तरीका। पहले हमें लेफ्ट से किया, हमें सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ये आप 5 बार कम से कम करें और धीरे धीरे करें, हमें बताने के लिए जल्दी जल्दी थोड़ा करना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर हमें राइट से करना है, इस तरह आप 5-5 बार दोनों नॉस्ट्रल से करें। फिर इसके बाद हमें लेफ्ट से सांस अंदर भरना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से, इस तरह से। पहले हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे अंदर गहरा भरना है, फिर हमें राइट से उसको सांस को बाहर छोड़ देना है, धीरे धीरे लंबा सांस को बाहर छोड़ना है, फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है, गहरा अंदर भरना है और फिर हमें लेफ्ट से उसको छोड़ देना है, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है, बिल्कुल पेट खाली कर लेना है। आप इस तरह से कम 10 मिनट करेंगे, 10 मिनट से आप जितना अधिक कर सकते हैं उतना करें, ये नुकसान नहीं देगा, इसका कोई भी हानि नहीं होती है और जब इसको करेंगे तो शरीर में कोई रोग भी नहीं रहेगा। तो आप ये क्रिया को, इस प्राणायाम को करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।